हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। और आज हम निकल रहे हैं यूपी से एमपी की ओर, और ये होगा ब्लॉग जो यूपी से एमपी जाएगा। ये देखिए, अभी हम यूपी में हैं और गाड़ी से लगातार इन्होंने गुटखा जो फेंकना स्टार्ट करा है वो अभी तक नहीं रुका है। तो चलिए एमपी चल के आपको दिखाते हैं। हम अभी जा रहे हैं ग्वालियर, तो आइए हम और आप एक साथ ये जर्नी देखते हैं। वी आर अबाउट टू रीच NH-19 और रात काफ़ी हो गई है, बस ये है कि जल्दी से ये जर्नी कंप्लीट हो जाए और हम सेफली पहुंच जाएं ग्वालियर। रात काफ़ी हो गई है और यहाँ सेट ट्रैक ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं। सो बस यही दिल चाहता है कि जल्दी से पहुंच जाएं और वहाँ कल पूरा ग्वालियर एक्सप्लोर करें। सो अब हम फ्लाई ओवर पर चढ़ने वाले हैं, एंड आई लाइक फ्लाई ओवर्स कि वहाँ पर रश कम रहता है। और देखो आयरनी क्या है कि गलत साइड से उतार रहे हैं, देखो साले। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। अरे अगर योगी जी अगर वीडियो देख रहे हो तो भैया ये लाइट ऑन करवा दो अंधेरे में, तो ठंड में लाइट जो है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो प्लीज़ योगी जी लाइट ऑन करवा दीजिए ताकि थोड़ा अच्छे से देखे हम लोग को भी। सो फाइनली लाइट जल गई, द बेस्ट पार्ट ऑफ टूर प्लाजा कि बाइक वाले साइड से निकल जाओ। अगर ये यमुना एक्सप्रेसवे लखनऊ एक्सप्रेसवे होता तो हमें टोल देना पड़ता, बट यहाँ पर नो टोल। ये मैंने एक लूप होल निकाला है कि जैसे ब्रिज जाए वहाँ पर स्पीड तेज कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइट है और जैसे ब्रिज कर रहा हूँ वहाँ पर स्पीड धीमे कर लो। लेकिन आजकल ब्रिज भी इतने छोटे हो गए, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्वेश्चन, यू कैन सी द विजिबिलिटी नाउ। सो अभी हम थोड़ी दूर बचा था रास्ता और वहाँ पर अभी मेरा एक माइनर सा एक्सीडेंट कह सकते हुआ कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे डिवाइडर के बीच में मेरे को जगह नहीं दिखी, तो गाड़ी ऊपर चली गई थी। तो कह रहे उतना कुछ थोड़ी बहुत चोट लगी है लेकिन ज़्यादा नहीं लगी, तो अब थोड़ा धीमे ड्राइव करके हम ग्वालियर तक सेफली पहुँच जाए, बस ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, खुद ही को चलानी है। कुछ नाइट व्यू यहाँ का, तो सब कुछ बंद हो गया है यहाँ पर, ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं। थोड़ी सिटी साइड लग रही है, फाइनली अब थोड़ा सेफ फील हो रहा। जैसा कि मैंने बताया था, बाइक का एक्सीडेंट तो इस लेग गार्ड ने बचा लिया बाइक को, अभी जाकर दिल्ली इसको चेंज कराना पड़ेगा। सो जैसे तैसे दो बार एक्सीडेंट होते होते भी फाइनली आई एम इन ग्वालियर, और अब यहाँ से बस जाकर अभी हमने पेट पूजा करी एकदम, बिल्कुल जान आ गई, सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब हम जाकर सीधे होटल में चेक इन करके अब कल सुबह का वेट करते हैं और फिर ब्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं। सो वी हैव फाइनली रीच्ड ग्वालियर। This is
दी रोड ऑफ ग्वालियर और रात के 11 बज चुके हैं और सेफली हम पहुंच गए हैं ग्वालियर। हालांकि दो एक्सीडेंट हुए फिर भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बाइक का थोड़ा हो गया लेकिन मेरा तो खैर उतना नहीं हुआ। लगी अब तो सुबह पता चलेगा दर्द कितना है। सुबह जल्दी से यहाँ होटल लेकर स्टे करते हैं और सोते हैं क्योंकि बहुत थक गया हूँ यार ट्रैवल करके। अब मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि बिना नाइट गैजेट्स के या बिना मॉडिफाई करे बाइक को विद लाइट एंड ऑल यू शुड नॉट ट्रैवल। अभी तक का सबसे कहते कि बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक का। अभी तक थोड़ा लाइटली लेता था लेकिन अब टाइम है कि सीरियस हो जाऊँ थोड़ा। आज बहुत बचा हूँ दो बार और इतना सब कैमरे वैमरे के साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है रात को। सो बस अब तो मेन सिटी में तो कोई डर नहीं है लेकिन वही है सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो नाइट में तो प्लीज़ मेक श्योर कि ग्रुप में हो या पूरे सेफ्टी के साथ ट्रैवल करो और पूरे बाइक को मॉडिफाई करो। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हॉलीवुड देखो के। बाय।